अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। मैं आज बनाऊंगी चिकन पालक रेस्टोरेंट स्टाइल। इस रेसिपी से बहुत ही कोई मज़ेदार, चटपटी और स्पाइसी चिकन पालक बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। उबलते हुए पानी में मैंने पालक ऐड कर दिया अच्छे तरीके से धो के, तकरीबन 500 ग्राम है। पालक को मैंने बस 2 मिनट के लिए बॉईल किया है। आधा कप ऑयल लिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और 3-4 सूखी हुई सुरख मिर्च ऐड करके 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके ऐड किया। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैंने इसमें ऐड किया 1 खाने का चम्मच क्रश की हुई लहसुन अदरक। 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड की। चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी और 1 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भून के बड़ा अच्छा सा मसाला रेडी कर लेना है। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें स्पाइसी वाली क्रश करके ऐड की। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना तो इधर आप ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया, उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया है और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया। चिकन अब अच्छे तरीके से गल चुकी है, अब मैं इसमें पालक ऐड करूंगी। मैंने पालक का पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करूंगी। इधर आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, छींटे पड़ सकते हैं आप पे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे उस वक्त तक कुक करते रहना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है। पालक को कवर करके पकाने से इसका कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कवर किए बगैर ही इसको कुक किया है। देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी चिकन पालक रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।